बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आपके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको फ़िश राइस बनाने की रेसिपी दूंगी। ये फ़िश है 600 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 लेमन, दही 4 चम्मच, ये पेस्ट बनाने में काम आएगा। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको काट लें क्योंकि इसको पीसना ही है। 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, 2-3 हरी मिर्चें हैं, और ये खुश्क इंग्रेडिएंट है। इसमें नमक है 1 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच, अजवाइन थोड़ी सी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। अब हम खुश्क मसाले दही में ऐड करेंगे। ये आधी क्वांटिटी दही में जाएगी और आधी ग्रेवी में जाएगी। इन सब चीज़ों को हम दही में मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे और फिश को मैरिनेट करेंगे। ये ज़ीरा जाएगा, आमचूर पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे। और लेमन भी थोड़ा डाल दें, 1 लेमन भी डाल दें, ये लेमन भी फिश में ज़रूर जाता है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब मछली को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे और इसको हाफ डन करेंगे फ्राई करके। तो इसको तमाम पीसेस को अच्छी तरह से लगा के और मैरिनेट कर देते हैं। 10 से 15 मिनट रख दें, काफ़ी। फिश फ्राई करते हैं, इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच। शैलो फ्राई करना है तो कम ऑयल डलेगा। तो फिश को तमाम पीसेस जो हैं फ्राई पैन में रखेंगे ताकि हल्के से फ्राई हो जाएं, क्योंकि इसकी हीट जो है ना वो ख़त्म करनी होती है, इसका मकसद है। तो अब आप फ्राई तो चलें, फिर ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट तैयार करते हैं। जूसर जग में प्याज डालेंगे जो आपको पहले भी मैंने दिखाया था, 1 दरमियाने साइज़ का, 3 टमाटर हैं इनको काट के डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें। अब इनको ब्लेंड करते हैं। चलें तो अब ग्रेवी बनाते हैं। इसमें थोड़ा ऑयल डलेगा 3 से 4 चम्मच, और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है ना, लेकिन पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि इसकी खुशबू आए, और फिर इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाया टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों का, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक भुनने की। ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था पूरी 1 प्याली, वो इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रा अच्छा सुर्ख हो जाए तो फिर इसमें थोड़े खुश्क इंग्रेडिएंट जो हमने बचाए थे ना, वो अब इसमें डालेंगे। वो सारे मसाले जो आपको बताएं, वो सारे मसाले इसमें डाल के अब इसको अच्छा सा भून लेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो हमने जो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसाला कितना अच्छा भुन गया है, बहुत मज़े का, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हर चीज़ परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ग्रेवी जितनी रखनी हो, मैं तो 1/2 गिलास डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब फ्राई की हुई फ़िश इसमें डाल देंगे और इसको हल्की आग पर, दरमियानी आग पर इसको रख देंगे। फिश बन के तैयार हो गई है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, इसका लुक कितना अच्छा आया है। आप भी इसी तरह से अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें।